हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीति और स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल स्वाद बनारसी में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर सुबह शाम हल्की फुल्की में आपको चटपटा खाना चाहते हैं तो बनाइए इस नमकीन को घर पे एकदम आसान तरीके से। खाने में नमकीन इतनी टेस्टी लगती है कि एक बार आप बनाएंगे तो इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। इस नमकीन को बनाने के बाद आप महीनों बना के स्टोर कर सकते हैं, रखे खराब होने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे सबसे ज़्यादा नमकीन खाने की जिद करते हैं तो इस नमकीन को आप बना के दीजिए, उनकी सेहत के लिए भी फायदेमंद रहेगा, हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो चलिए आज की नमकीन की वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो इस नमकीन को बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 250 ग्राम पोहा। पोहा दो तरीके का होता है, एक मोटा होता है और एक पतला। तो हम इस नमकीन को बनाने के लिए पतला वाला पोहा लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक छन्नी लेंगे और पोहे को इसमें डाल के छान लेंगे। इसमें का जो भी बारीक रहेगा उसे हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से करके हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद इसे हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे मसाला तैयार करते हैं। मसाला बनाने के हम यहाँ पे लेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया। अगर आपके पास खड़ा धनिया नहीं है तो आप धनिया का पाउडर ले सकते हैं। 1/2 चम्मच साबुत जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच नॉर्मल नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भर के डालेंगे इसमें चाट मसाला, 1 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है नमकीन में। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसको पीस के इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। इस मसाले का टेस्ट नमकीन में बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे हम एक पैन या कढ़ाई लेंगे और इसे रखेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच तेल। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मूंगफली। मूंगफली को डाल के लो फ्लेम पे इसे रोस्ट कर लेंगे। इसे हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। मूंगफली में हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया और ये चटकने लगा है तो हम इसे निकाल लेंगे। इसे डार्क कलर आने तक नहीं फ्राई करेंगे क्योंकि निकालने के बाद इसका कलर चेंज होता है। मूंगफली रोस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं तेल इसमें बचा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे लेंगे 1/4 कप चने, भुने हुए चने का दाल, और इसे भी डाल के हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसे भुना हुआ रहता है तो इसे रोस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 1 से 2 मिनट इसे रोस्ट करेंगे, उसके बाद इसे भी निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम और तेल डालेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट जैसे कि काजू। काजू को हम तोड़ लेंगे और इसे भी डाल के फ्राई कर लेंगे। इस नमकीन में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे तो टेस्ट इसका और भी अच्छा आएगा। अगर आप ड्राई फ्रूट खाना पसंद नहीं करते तो स्किप कर सकते हैं। गोल्डन ब्राउन कलर दिखने लगा है तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम इसमें नारियल को डाल के फ्राई कर लेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा नारियल लेंगे पका हुआ और उसे पतला काट लेंगे। नारियल को फ्राई करते समय ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम लो होना चाहिए और इसे 2 मिनट फ्राई करेंगे, उसके बाद इसे निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे 20 ग्राम किशमिश लेंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे। सारे चीज़ों को फ्राई करने में ज़्यादा तेल नहीं लगता है, इसमें बहुत कम ही तेल लगता है और बहुत कम ही तेल में एकदम स्वादिष्ट टेस्टी नमकीन बनके तैयार हो जाता है। किशमिश फ्राई करते समय ध्यान रखिएगा किशमिश अच्छे से फूल जाना चाहिए, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। जब आपका भी किशमिश ऐसे फ्राई हो जाए तो इसे भी हम निकाल लेंगे। अब बाकी बचे हुए तेल में हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 कप मखाना। मखाने को तोड़ के डालें और इसे भी फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट मखाने को भी फ्राई करेंगे, इसके बाद इसे भी निकाल लेंगे। अब सेम पैन में हम 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें पोहे को डाल के मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इसे भी फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम समय में ही ये फ्राई होकर फूट जाता है। जब पोहा में एक अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो इसे भी हम निकाल लेंगे। सेम पैन में 1 चम्मच और तेल डालेंगे।
अब यहाँ पे हम 5 से 6 हरी मिर्च लेंगे और इसे इस तरीके से बड़े पीस में काट लेंगे और इसे भी डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मिर्च को फ्राई करते समय ध्यान रखिएगा थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, नहीं तो ये थोड़ा सा चटकता है तो आप जल भी सकते हैं। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 15 से 20 करी पत्ते और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बाउल लेंगे और इसमें पोहे को डाल देंगे। अब इसमें फ्राई किए मटेरियल को डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने जो मसाला पीस के तैयार किया था उसे डालेंगे, तो इस तरीके से हाथ में लेके मसाले को डालें ताकि मसाला चारों तरफ फैल जाए। अब यहाँ पे 1 चम्मच लेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे, नीचे से ऊपर साइड करते हुए अच्छे से मिला लें। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो इसमें अमचूर पाउडर जिसे खटाई भी बोलते हैं उसे डाल के मिक्स कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी हमारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।